वैदिक ज्योतिष में नौ ग्रह मूल निवासी के पूरे जीवन पर शासन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ये नौ ग्रह मजबूत है तो वे अपने जीवन में समस्याओं से लड़ने की ताकत रखेंगे। मानव जीवन में हर ग्रह की अपनी भूमिका है। यदि कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या बीमार स्थिति में है तो इसका प्रभाव जीवन में विभिन्न तरीकों से देखा जाता है। व्यक्ति में भाग्य, योग्यता, शांति, स्थिरता और शक्ति की कमी होगी। हम अपनी कुंडली नहीं बदल सकते, हालांकि हम नौ ग्रहों को प्रसन्न करने के उपायों की मदद से अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। इन खगोलीय प्राणियों को मजबूत करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या, व्यवहार, खान पान और रहन सहन में बदलाव लाना होगा। नौ ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए इन उपायों की मदद से कोई भी मनुष्य इन ब्रह्मांड शक्तियों के आशीर्वाद से अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो कर लीजिए उपाय। रोज सुबह धूप में बैठे, इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त से पहले अपना अंतिम भोजन करें। पीने के पानी के लिए तांबे के बर्तन का उपयोग करें, केवल लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करें। प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जाप करें, यह आपकी कुंडली में ग्रह को ऊर्जा देता है। प्रतिदिन ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करें? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको अपना आहार बदलना चाहिए। रात में ठंडी चीजें खाने से बचें। इसके अलावा ताजा खाना खाएं, रसदार फल खाएं। माँ का आशीर्वाद सब कुछ सही कर सकता है, इसलिए अपनी माँ के हाथों से कुछ खाने की कोशिश करें। चंद्रमा पानी से मिलता जुलता है और इस प्रकार पानी को बर्बाद करने से बचें। कैसे मजबूत करें मंगल ग्रह को? इसके लिए आपको या तो जमीन पर सोना चाहिए या ऐसे बिस्तर पर सोना चाहिए जो जमीन के पास हो और थोड़ा पतला हो। हर हफ्ते एक दिन नमक खाने से बचें, खासकर मंगलवार के दिन। अपनी कुंडली में मंगल को शुभ और मजबूत बनाने के लिए गुड़ खाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें। बुध ग्रह को कैसे मजबूत करें? खाने में हरी सब्जियों का सेवन करें और रोजाना खाएं। जितना हो सके कम से कम सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करें। कानों में संगीत सुनने की आदत डालें। आप किसी भी प्रकार का संगीत सुन सकते हैं, हालांकि अपने आप को अच्छे संगीत के साथ घेरें। ध्यान रखें कि आप नियमित रूप से नहाते हैं और अपने आसपास और साफ सफाई का भी ध्यान रखें। इस तरह आप बुध ग्रह को खुश कर सकते हैं और इसे अपनी कुंडली में मजबूत बना सकते हैं। ग्रह बृहस्पति को कैसे मजबूत करें? ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। अपने खाने में हमेशा हल्दी का इस्तेमाल करें, पीले रंग के कपड़े का प्रयोग करें और अपने घर पर पीले रंग की चीजें रखें। अपने बालों को छोटा रखें और सुनिश्चित करें कि आप हर दिन अपने माथे पर तिलक लगाएं। ग्रह शुक्र को मजबूत कैसे करें? शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए स्नान के बाद खुद पर इत्र या गंध छिड़कें। इसके अलावा साफ और चमकीले रंग के कपड़े पहने। दोपहर का खाना खाते समय दही का सेवन रोज करें। अपने बालों, दाढ़ी और मूंछों को बिखरे हुए न रखें, उन्हें व्यवस्थित करें और समय समय पर उन्हें साफ करें। शनि को मजबूत करने के सरल उपाय। शनि को मजबूत करने के लिए भोजन तैयार करने और मालिश के लिए सरसों के तेल का उपयोग करें। अपने घर को रोशनी से भरा रखें, अधिकतम समय तक प्रकाश में रहें। आप अपने बालों और दाढ़ी को लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन उन्हें साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। अपने घर पर केवल स्टील के बर्तनों का उपयोग करें, ऐसा करने पर शनि ग्रह मजबूत होता है। राहु और केतु को कैसे मजबूत करें? राहु और केतु को मजबूत करने के लिए हर दिन स्नान करें और अपने आसपास को साफ रखें। रोज सुबह उठने के बाद जब आपका पेट खाली हो तो तुलसी के पत्ते खाएं। इसके अलावा फास्ट फूड खाने से बचें। हर दिन एक धार्मिक स्थान पर जाएं, चाहे वह मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थान, वहां जाएं और प्रार्थना करें। अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें, इससे बहुत फायदा होगा। ऐसा करने पर आपकी कुंडली में नौ ग्रह पूरी तरीके से मजबूत हो जाते हैं। बताए गए उपाय को अपने जीवन में डालें और जीवन में आगे बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।